हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है आज फिर से। 7:30 का टाइम है और मैं आज तैयार हूँ क्योंकि आज है वो चावल साफ करके रख दिए थे खीर बनाने के लिए, क्योंकि खीर बनाऊंगी। आज पूर्णमासी भी है और आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ मनाई जाती है। और पहले तो हम लोग खाने जाते थे आम के पेड़ के नीचे, तभी जाते थे, अभी भी जाते होंगे, पर अब तो यहाँ दिल्ली में तो नहीं है ये सब गाँव में, लेकिन कई लोग तो मनाते हैं, उन लोगों को पता होगा। और आलू बॉयल कर लिए थे, छील के भी रख लिए हैं। और यहाँ पे मिर्ची काट लूँगी, कचौड़ी बनाऊँगी। मेरी बेटी को कचौड़ी अच्छी लगती है, इसलिए पूड़ी नहीं बनाऊँगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि बेसन की बनाऊँगी, नमकीन पूड़ी अच्छी लगती है खीर के साथ, तो उसने मना कर दिया कि कचौड़ी बनाओ, पूड़ी मत बनाओ। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते पूड़ी, और ये कचौड़ी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बनाऊँगी उनके लिए पराँठे, सादा सेक दूँगी, नहीं तो टाइम पराँठों में ज़्यादा लगता है। पराँठे बनाओ, पूड़ियों में नहीं लगता, निकाल दो, कढ़ाई तो गर्म है। पर वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए पराँठे सेक दूँगी। और सुबह भी पराँठे बनाए थे मैंने, ये लोग ले गए थे टिफ़िन। आज रोटी नहीं बनाई थी, दोपहर में बनाए थे चावल, फ्राई करके बना लिए थे, क्योंकि पूड़ी पराँठे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। सर्दी में तो फिर भी खप जाते हैं, गर्मियों में नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। और इधर मैंने पहले रखा था पानी, उसमें डाल दिए थे चावल। जब अच्छे से चावल पक जाएंगे उसके बाद डाल दूंगी दूध। और यहाँ पे नारियल रख लिया था क्योंकि नारियल कस लूँगी और थोड़ी मेवा निकाल लूँगी जो है ड्राई फ्रूट, वो डाल दूँगी। और दिन में पहले सोची बनाऊँगी, लेकिन मन नहीं हुआ बनाने का कुछ भी, इस वजह से मैंने शाम को ही मैंने साड़ी पहनी। मैं सच बताऊँ, शाम को मन था ऐसे ही पहन ली मैंने। पहले तो मैं पहनती तो हूँ साड़ी, पर गर्मी की वजह से मन नहीं होता। इतनी गर्मी थी बहुत, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो ठंडा मौसम भी रहता है, दिन में तो सही था, इतनी गर्मी नहीं लगी, पर शाम को बहुत गर्मी थी। और आप लोग पूरा ज़रूर देखना, उसके बाद कमेंट करना। मेवा काटने के बाद इसमें डाल दिया था दूध मैंने, और यहाँ पर आटा लगा लूँगी कचौड़ी का। तो इसमें थोड़ा नमक डाला था और गीला थोड़ा लगाऊंगी कि कचौड़ी निकले ना, फटे ना आसपास से, आलू ना निकले। तो आराम से अच्छे से गूंद गूंद के लगा लूंगी इसे आटे को। बच्चे नहीं हैं, बच्चे चले गए ट्यूशन, तो मैं ही अकेली हूँ, तो ये सेट कर लिया है मैंने कैमरा। वैसे भी किचन में तो मैं सेट कर देती हूँ, डिब्बा के ऊपर रख लिया था। और ये तेल मैं लेके आई थी गाँव से, तो 1 cc तो ख़त्म हो गई, और 1 cc अभी है 2 लीटर की। 4 लीटर लेके आई थी, 2 cc लेके आई थी, क्योंकि 1 cc में भर गया था। वैसे तो बड़ा कुछ ऐसा नहीं था, और फिर दिक्कत भी होती लाने में गांव से, तो इस वजह से। और जो अचार मैंने डाला था गांव से लेके आई थी, उसमें अचार मैं तेल गांव में नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था। यहाँ आके मैंने डाला था अच्छे से, क्योंकि तेल डालो जब भी अच्छा होता है, और काफ़ी था अचार, तो इस वजह से मैं दिखा रही थी कि मैं ऐसे काट रही हूँ इसे, और हाथ से ही कचौड़ी में भरती हूँ। तेल हो गया है गरम, काफ़ी तेल हो गया गरम, सफ़ेद दिख रहा होगा क्योंकि गांव का है ये, तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, उसके बाद ही डालूँगी। बहुत झरपीला होता है, शुद्ध है ये तेल। काफ़ी मैंने भरे थे आलू, और अच्छे लगते हैं गरम गरम कचौड़ी, अच्छी लगती हैं, ठंडे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन गर्मियों में कम अच्छा लगता है ये सब। त्योहार बनाना तो पड़ता है, और बच्चे हैं उनका मन होता है, तो फिर बनाना पड़ता है। कल से है सावन स्टार्ट, और सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने भर ली हैं, और ये बंद कर करके हाथ से बेलती नहीं हूँ, हाथ से ही मैं बड़ी करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते, तो ज़रूर हाथ से बना के खाना, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने डाल दी थी, धीमी कर दी थी आँच, धीमे धीमे पकेंगी ये।
और इधर बन गई थी खीर, तो चीनी मैं निकाल रही थी डिब्बा से, डाल दूंगी चीनी। और मैं बताऊं यहाँ पे इतना भी दूध में पानी नहीं डालो फिर भी इतना नहीं वो होता, लेकिन यहाँ पानी डालना पड़ता है। मेरे यहाँ जब खीर मायके में बनती है, मम्मी मेरी बना, सच में बिना चीनी के खा जाओ, इतनी अच्छी लगती है वो, इतनी भैंस का दूध की बनाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है, उसमें चीनी भी ना डालो फिर भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो पानी डाल के बनाई मैंने, लेकिन यह ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था। निकाल ली है कचौड़ी, बच्चे तो अभी आए नहीं, जब तक बना लूँगी, आएंगे जब तक, आने ही वाले हैं। और थोड़ा फास्ट कर दिया था मैंने, तो थोड़ा हाँ आप लोग बड़ा ना हो और पूरा हो भी जाए, फिर भी काफ़ी बड़ा था, कट तो करना ही पड़ता है, फिर भी इतना हो गया, कोशिश तो की कम से कम ही रखूँ। पराठे भी बना लिए थे और कचौड़ी भी बन गई है। और ये सब हो गया था, बच्चों को नहीं दिया अभी, बर्तन धुलने लगी थी, आ गए थे ट्यूशन से बच्चे भी, तो मैं बोली बर्तन धुल लूँ उसके बाद दूंगी खाना, बना के रख लिया था, लेकिन गर्म तो रहेगा, ठंडा कौन होगा, गर्मी इतनी पड़ रही है, तो पहले ये बर्तन साफ कर लूँगी, उसके बाद लोग खाना खाएंगे। बन गया है, पराठे सेंके थे और कचौड़ी और खीर। चटनी सोच रही थी पर नहीं बनाई, गर्मी में मन नहीं हो रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी, पहले तो सोच रही थी चटनी भी बनाऊंगी लेकिन नहीं बनाई, मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी ये खाना ना बन जाए उसके बाद ये साड़ी उतार दूँगी, बहुत बेचैनी हो रही थी, इतनी बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ गर्मियों में। और साड़ी सच में अच्छी लगती है, साड़ियाँ तो मैं पहनती हूँ, मुझे पसंद हैं, लेकिन गर्मी में मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है, सर्दी आएगी तो साड़ियाँ तो पहनूंगी। और यहाँ पे दूध जो रखा था वो भी गर्म करने के लिए रख दिया, इधर गैस मैं साफ़ कर दूँगी फिर दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए, और ये डिब्बी डिब्बा है ये भी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। और ये कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए तो ढक के रख दूँगी इसको, फिर बाद में सुबह देखूँगी, इसे डिब्बा में भर दूँगी, ये तेल है तो इससे सब्जी बन जाएगी। तो सरसों के तेल में कचौड़ी मैंने बनाई है और अच्छी भी लगती है सरसों के तेल में ही। खाना बर्तन भी हो गए क्लीन, बहुत बुरी हालत है सच में, पसीना पसीना पूरा, बहुत गर्मी है और बच्चे नहीं हैं, तो एक हाथ से मैं दिखाऊंगी, कैमरा पकड़ूंगी, इसमें डालना है ये मैंने काट के रखी थी नारियल है, नारियल का गोला और काजू बादाम और इलायची पहले ही डाल दी थी मैंने, और बर्तन धुल लिए हैं, रोटी के बर्तन धुल लिए, रोटी आज नहीं बनाई थी, सुबह भी पराठे बनाए थे और शाम को भी कचौड़ी बनाई, और अब हस्बैंड नहीं खाते तो उनके लिए पराठे बनाए, वो नहीं खाते, आलू भरे पराठे भी नहीं खाते, ना पूरी खाते, कचौड़ी नहीं खाते, तो सादा पराठे खाते हैं, तो उनके लिए सादा पराठे बनाए, कचौड़ी खाए तो एक आध खा लेंगे लेकिन पेट नहीं भरता उनका। और बर्तन धुल लिए, बच्चे गए हैं ट्यूशन, 7:30 पे जाते हैं और आते हैं 8:45 बज जाते हैं, आते आते बच्चों को, और यहाँ पे मैं ये डाल दूँगी इसमें, इसे मैं अब डालूँगी नारियल का गोला जो कसा था वो, और जो काजू बादाम थे, इलायची डाल दी थी पहले ही, चीनी भी डाल दी थी, तो अच्छी बनी थी। यही है आज का, आप लोग ज़रूर पूरा देखना, जो आते हैं चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा लूँगी थाली, बच्चों को दे दिए थे और हस्बैंड भी आ गए थे उनको भी दिया, थोड़ा थोड़ा मैंने सूट किया, फिर हम काफ़ी बड़ा हो रहा था, फिर मैंने कट ही कर दिया, कोई नहीं देखेगा इतना बड़ा, फिर भी 10 मिनट से ऊपर का मैंने सोचा था कि ना हो, उससे पहले ही उतना ही करूं, तो ये थाली अपने लिए लगा ली, उन लोगों को दे दिया था हम लगा के। और ना आम ही निकाल रही थी अचार की, ये तो ये खुल ही नहीं जा रहा डब्बा, क्योंकि हाथ चिकने से थे, तो इस वजह से मुझे कपड़ा से ही खोलना पड़ा, टाइट लग जाता है तो सही रहता, क्योंकि हवा ना जाए तो अचार ख़राब कभी नहीं होता। बच्चे आ गए, बच्चों को दे दिया खाना और अपने लिए भी थाली लगा ली है। दोस्तों खाना आज का पराठे पूड़ी खटाई और भिंडी, और ये है खीर, यही है, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, हस्बैंड के लिए थाली लगा दी, और ये है मेरी थाली,
आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म। अब यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। कोशिश करिए कि छोटा से छोटा बनाऊँ, पर देखूँगी एडिटिंग करूँगी जब कितना बड़ा होता है ये। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। हाँ, जो भी चैनल की आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के साथ ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलूंगी अच्छे से इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना।